मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आई होप कि आप सभी वेल होंगे। सो आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए, आप उसे इम्पॉर्टेंट LE भी बोल सकते हैं, जो कि आपके BSc और MSc, BSc फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपके MSc लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपकी पॉलीसिफोनिया LE। हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे और थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स में इससे काफ़ी क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। 7.5 मार्क्स में या 2 मार्क्स में भी इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का LE पॉलीसिफोनिया। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और एक बार जान लेते हैं कि मैंने इंडेक्स में क्या क्या डाला है, हम आज क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। सो चलिए देखें, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसका क्लासिफिकेशन, फिर इसका अकरेंस। जो क्लासिफिकेशन होता है इसे हम सिस्टमैटिक पोजीशन भी कहते हैं, फिर अकरेंस यानी किस तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, वो सारी चीज़ें, और कुछ इंडियन स्पीसीज़ को हम डिस्कस करेंगे, और इनकी प्लांट बॉडी किस तरह की होती है वो देखेंगे, इनके सेल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है वो भी देखेंगे, और इनके कुछ जनरल फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे, और इनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव, जो भी है, सभी चीज़ों को हम डीपली डिस्कस करेंगे, और इसकी लाइफ साइकिल का एक ब्रीफ पार्ट देखेंगे, सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जो भी इनके अंदर सिस्टम होते हैं, इरेक्ट सिस्टम, प्रोस्टेट सिस्टम, जो भी रूट सिस्टम होता है इनके अंदर, वो सभी की सब चीज़ें हम आज के इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन को सिस्टमैटिक पोजीशन भी कहते हैं, तो देख लेते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। अगर हम इसके किंगडम की बात करें तो ये एल्गी से बिलोंग करता है, इसका डिवीज़न रोडोफाइटा होता है, इसकी क्लास फ्लोरिडियोफाइसी होती है, और या रोडोफाइसी भी इसकी क्लास होती है। इसका ऑर्डर कैरामेल्स होता है, इसकी फैमिली रोडोमिलेसी होती है, और इसका जीनस पॉलीसिफोनिया होता है। सो चलिए हम आगे बढ़ें और देखते हैं इनका हैबिटेट क्या होता है, ये किस तरह के एनवायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं इसका अकरेंस। सो जो वर्ड पॉलीसिफोनिया है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पॉली, पॉली का मतलब मैनी, और एक है साइफन, साइफन का मतलब ट्यूब, मतलब ऐसे एल्गीज जिनके अंदर बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट हो उन्हें पॉलीसाइफन कहते हैं। सो इसी से नाम का ये जो उत्पत्ति है वो हुई और इसे हमने पॉलीसिफोनिया कहा, दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलीसिफोनिया। इसकी हमारे अर्थ पे पूरे 150 स्पीसीज से ज़्यादा नोन है अभी तक, जिसमें से 16 स्पीसीज़ जो हैं वो इंडिया से रिपोर्टेड की गई हैं, और ये मैराइन हैबिटेट में ग्रो करते हैं अपने आप को, और ये हमेशा जो वार्मर एरियाज़ हैं सी के, कहाँ पर जो वार्मर एरियाज़ हैं वहाँ पर पाए जाते हैं, और ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, वैसे तो हर जगह फाउंड होते हैं, बट ये इनका मेनली हैबिटेट क्या होता है। सो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि हर तरह के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये मोस्टली वार्मर एरियाज़ में पाए जाते हैं सी के। लेकिन एक आपका बैट रैच स्पर्मम नाम का एल्गी है, जो कि रिवर वाटर में यानी प्योर वाटर जो होता है, स्वच्छ पानी होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं, और ये मेनली जो सी की लेयर्स होती हैं उनमें, सी के जो जोन्स होते हैं उनमें लाइटोरल और सब लाइटोरल जोन्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए मैंने आपको ये डायग्राम भी शो किया है, यहाँ पर आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइटोरल जोन और सब लाइटोरल जोन क्या होता है। मान लीजिए ये देखिए सी है, और सी का ये जो ये लोअर पार्ट है ये सब लाइटोरल जोन है, और जो ये ऊपर के पार्ट्स हैं इन्हें हमने लाइटोरल जोन्स कहा। सो आई थिंक इट मे हेल्पफुल, ओके। और ये इंडिया के वेस्टर्न और साउथर्न कोस्ट में प्रेजेंट होते हैं या फाउंड होते हैं, मैंने अभी आपको बोला था कि जहाँ पर वार्मर एरियाज़ होंगे वहाँ पर, सो वेस्टर्न एंड साउथर्न काफ़ी वार्मर एरियाज़ होते हैं, और इन्हें हम लिथो, मतलब ये जो होते हैं वो ग्रो करते हैं लिथोफाइट्स की तरह। लिथोफाइट्स का मतलब होता है कि इनकी जो प्लांट बॉडी है वो किसी रॉक या स्टोन से एक सबस्ट्रेटम के थ्रू अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है, और इनकी कुछ स्पीसीज़ जैसे ये पक्सीनिया आर्सियोला और पक्सीनिया टेरुलेसी और ये नहीं होगा यहाँ पे, जो कि ग्रो करते हैं एपीफाइट्स की तरह, लैमिनेरिया नाम का एक प्लांट है उसके ऊपर। एपीफाइट्स का मीन्स होता है कि मतलब ऐसे एल्गीज या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्लांट पे अपनी लाइफ साइकिल पूरी करें बट उन प्लांट्स को हार्म ना पहुँचाएँ, लेकिन वो उन पर पैरासाइटिकली रहें।
एक आपका पक्सीनिया फेस्टिजियाटा होता है जो कि सेमी पैरासाइट की तरह एस्कोफाइलम नोसोडम नाम के प्लांट पर ग्रो करता है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम इनकी कुछ इंडियन स्पीसीज़ को देख लेते हैं। सो इनमें इंडिया में मोस्टली ये पॉलीसिफोनिया ट्यूटिकेरिनेंसिस और पॉलीसिफोनिया सेटुलेरियोइड्स एंड पॉलीसिफोनिया प्लैटिकार्पा और पॉलीसिफोनिया स्यूटोलिसिमा एंड पॉलीसिफोनिया अंगुईफॉर्मिस और कुछ ये स्पीसी जैसे ये पॉलीसिफोनिया बायोलेसी एंड पॉलीसिफोनिया फेरुलेसी एंड ये इलोंगेटा पॉलीसिफोनिया इलोंगेटा और ये पॉलीसिफोनिया प्लैटिकार्पा, ये मैंने यहाँ पे भी शो इमेज में शो कर दिया। सो आई थिंक इट विल बी अंडरस्टैंडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि इनकी प्लांट बॉडी किस तरह की होती है, यानी इनका जो प्लांट है, इनकी जो बॉडी है वो बाहर से हमें किस तरह की दिखाई देती है। सो मेनली इनकी जो प्लांट होती है वो मल्टी एक्सियल ब्रांच्ड होता है। मल्टी एक्सियल ब्रांच का मतलब है कि सभी एक्सेस में ब्रांच होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये एक यहाँ पर ये सबस्ट्रेटम है और यहाँ से ये देखिए एक ऐसे करके जा करके उसमें से कितने सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं, कितने सारे ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो ये इसी तरह के बॉडी को, इसी तरह के थैलिस स्ट्रक्चर को हम मल्टी एक्सियल कहते हैं। सो इनके अंदर जो ब्रांचेस होती हैं वो दो टाइप की होती हैं। एक होती हैं शॉर्ट ब्रांचेस, एक होती हैं लॉन्ग ब्रांचेस। ये जो छोटे छोटे से निकले हुए हैं इनसे, ये शॉर्ट ब्रांचेस हैं और जो ये ऐसे करके गए हुए हैं ये लॉन्ग ब्रांचेस हैं। सो जो ये शॉर्ट ब्रांचेस हैं इन्हें इरेक्ट सिस्टम कहते हैं इस सिस्टम को, और जो लॉन्ग ब्रांचेस हैं इसे कहते हैं प्रोस्टेट सिस्टम। सो अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सो जानेंगे, तब तक आप इसे देखिए। और इनके अगर हम कलरेशन की बात करें, सो इनका मेनली कलरेशन रेडिश या ब्लूइश रेड होता है। सो इनका जो रेडिश कलर है वो मोस्टली जो आपका आर फाइकोसाइनिन होता है वो ब्लू कलर देता है, ब्लूइश कलर देता है पिगमेंट, और जो आपका आर फाइको एंथ्रिन होता है वो रेड कलर का पिगमेंट देता है। सो और इनके अंदर कुछ बीटा कैरेटीन्स भी होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इनकी बॉडी बशी होती है इस तरह से, और इनकी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा सेंटीमीटर तक हो सकती है, काफ़ी सेंटीमीटर्स तक हो सकती है। इनकी कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो हेटरोट्राइकस होते हैं हैबिट में। हेटरोट्राइकस का मतलब है कि ये दो तरह के सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक प्रोस्टेट सिस्टम और एक इरेक्ट सिस्टम। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं उसे भी। सो चलिए हम डिस्कस करते हैं इनके अंदर प्रोस्टेट सिस्टम किस तरह से होता है। सो जो प्रोस्टेट सिस्टम है वो मेनली आपका मल्टी एक्सियल और वेल डेवलप ब्रांचेस होते हैं जो कि लोअर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है उसमें बहुत ही यूनिसेलुलर राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लोब्ड होते हैं अपेक्स पे। ये देखिए, ये राइजॉइड है और ये लोब्ड है इधर अपेक्स पर। सो और इनमें अटैचमेंट डिस्क प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये देख सकते हैं, जो कि इनको रॉक से या किसी भी चट्टान से, किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच करने का काम करते हैं। जो जो पॉलीसिफोनिया अर्सियोलेटा है और पॉलीसिफोनिया निग्रेसेंस है और पॉलीसिफोनिया इलोंगेटा और पॉलीसिफोनिया बायोलेसी, इनमें क्या होता है कि जो प्रोस्टेट सिस्टम होता है, यानी ये तरह की जो स्मॉल ब्रांचिंग होती है वो अब्सेंट होती है, और इनके अंदर बहुत तरह के राइजॉइड डेवलप कर जाते हैं लोअर साइड पे। जैसे ये देख सकते हैं आप, ये राइजॉइड्स हैं सभी के सभी, ये डेवलप कर जाते हैं और इरेक्ट सिस्टम बनाते हैं एग्रीगेशन प्रोसेस के थ्रू, जो कि ये देखिए अटैचमेंट डिस्क से जुड़े रहते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम देखते हैं इरेक्ट सिस्टम, यानी जो ये लॉन्ग ब्रांचिंग होती है ये किस तरह की होती है इनकी बॉडी में। सो चलिए देखते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे इरेक्ट सिस्टम, यानी इनके अंदर इरेक्ट सिस्टम जो होता है, ब्रांचिंग किस तरह से होती है, वो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो चलिए, सो ये जो इरेक्ट फिलामेंट्स होते हैं ये आपके डेवलप करते हैं प्रोस्टेट सिस्टम से, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। और जो इरेक्ट सिस्टम है वो कंसिस्ट होता है मेन एक्सिस से, बहुत सारी ब्रांचेस उससे जुड़ी हुई होती हैं। देखिए, ये जो मेन एक्सिस है ये एपिकल सेल है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारी ब्रांचेस जुड़ी हुई हैं, लॉन्ग ब्रांचेस और शॉर्ट ब्रांचेस, दो तरह की ब्रांचेस होती हैं। और इनमें जो लॉन्ग ब्रांचेस होती हैं उनके अंदर अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, तो उन्हें लॉन्ग लेटरल ब्रांचेस कहते हैं, और जो शॉर्ट ब्रांचेस होते हैं उनके अंदर लिमिटेड ग्रोथ होती है, तो उन्हें ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं।
सो ट्राइकोब्लास्ट का मीन्स होता है कि लिमिटेड ग्रोथ वाली शॉर्ट ब्रांचेस, दैट इज कॉल्ड ट्राइकोब्लास्ट। सो जो लॉन्ग ब्रांचेस हैं वो डेवलप होती हैं एक स्पायरल और रेडियल सिमेट्री में, स्पायरल सर्कुलर वे में और रेडियल तो आपको पता ही है। तो जो ट्राइकोब्लास्ट होते हैं वो स्पायरली अरेंज होते हैं और डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं, कलरलेस होते हैं और मोस्टली एनुअल स्ट्रक्चर बियरिंग करते हैं सेक्स ऑर्गन्स को। सो जो ट्राइकोब्लास्ट हैं वो डेवलप होते हैं दोनों से, मेन एक्सिस से भी और लॉन्ग ब्रांचेस से भी डेवलप हो जाते हैं। सो जो मेन एक्सिस है और लॉन्ग ब्रांचेस हैं वो कंसिस्ट होते हैं एक सेंट्रल साइफन से। यहाँ पे बीच में एक सेंट्रल साइफन प्रेजेंट होगा, ये देखिए ये पेरी सेंट्रल साइफन है और ये जो बीच का ये न्यूक्लियस टाइप आपको दिख रहा है बट ये सेंट्रल साइफन है। सो आई थिंक इट विल बी अंडरस्टैंडिंग। और ये देखिए जो सेंट्रल साइफन है ये इलोंगेटेड होता है बहुत तरह के सिलेंड्रिकल सेल्स से जो कि वर्टिकल रो में, इस तरह देखिए वर्टिकल रो में अरेंज्ड होती हैं और सराउंडेड होती हैं 4 से लेकर 20 पेरिफेरल साइफन्स तक। सो जो प्लांट बॉडी है वो पॉलीसिफोनस हो जाती है, इसीलिए इसे हमने नाम दिया, यानी साइंटिस्ट ने नाम दिया पॉलीसिफोनिया। अब सिर्फ जो सेंट्रल साइफन है वो प्रेजेंट होता है एपिकल रीजन वाली, जो ये एपिकल सेल है यहाँ पर ही सेंट्रल साइफन प्रेजेंट होता है। और जो आपके लॉन्ग ब्रांचेस होते हैं उनमें भी प्रेजेंट होता है। सो कुछ स्पीसीज जो हैं उनमें पेरिसेंट्रल साइफन जो होता है वो कवर्ड होता है 3 कॉर्टिकल सेल से जो कि फॉर्म्ड होती हैं पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन के थ्रू। सो जो इससे हम कहेंगे पेरिसेंट्रल साइफन। अच्छा पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए जो सेल्स हैं ये सर्कुलर वे में अरेंज्ड है, अगर सेल्स में इस तरह से ग्रोथ हो रही है तो वो पेरिक्लिनल है और अगर इस तरह से ग्रोथ हो रही है सेल्स बढ़ रहे हैं तो वो एंटीक्लिनल है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। और ये एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है पिट कनेक्शन के थ्रू, इनके अंदर पिट कनेक्शन या साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, मतलब जो इनके साइटोप्लाज्म है वो आपस में अटैच रहते हैं। जो शॉर्ट ब्रांचेस हैं वो ट्राइकोब्लास्ट हैं वो सभी के सभी मोनोसाइफोनस होते हैं, मतलब उनमें एक ही ट्यूब प्रेजेंट होती है। सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं इनकी सेल स्ट्रक्चर किस तरह की होती है, यानी जो इनके अंदर सेल्स होते हैं वो किस तरह से बने हुए होते हैं। सो चलिए सो जो इनके अंदर सेल्स होते हैं उनके अंदर थिक वॉल होती है, मतलब ये देखिए थिक वॉल है और जो बाहर की यानी आउटर वॉल है वो पैक्टिक यानी पैक्टिन की बनी हुई होती है, पैक्टिक वॉल होती है। और जो इनर वॉल्स होते हैं वो सेलुलोसिक होते हैं यानी सेलुलोस के बने हुए होते हैं। और जो सेल्स हैं वो सभी के सभी यूनिन्यूक्लिएट होते हैं और बहुत से डिस्कॉइड, इनके अंदर क्रोमैटोफोर्स पाए जाते हैं विदाउट पायरिनॉइड्स के। पायरिनॉइड्स आपका फूड रिजर्विंग का वर्क करता है, लेकिन जब पायरिनॉइड्स नहीं प्रेजेंट होता तो क्रोमैटोफोर्स फूड रिजर्विंग का वर्क करता है। सो इनके अंदर जो नेवरिंग सेल्स होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं पिट कनेक्शन से, मैंने बताया था आपको। और जो सेल होते हैं उनके अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो और इनके अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो फ्लोरिडियन स्टार्च होता है और इनका जो पिगमेंट है मेनली रेड वो क्लोरोफिल डी के अकॉर्डिंग होता है। जो आपका क्लोरोफिल ए है वो यूनिवर्सल क्लोरोफिल है यानी सभी तरह के प्लांट्स में पाया जाता है, बट जो रोडोफाइसी है इनके अंदर इनका जो रेड पिगमेंट होता है वो क्लोरोफिल डी की वजह से होता है। सो आई थिंक आपको समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। सो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो पॉलीसिफोनस होती है, पॉलीसिफोनस का मतलब उसमें बहुत सारे ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ और इनके अंदर जो एपिकल ग्रोथ होती है वो सिंगल डम शेप एपिकल सेल के अकॉर्डिंग होती है, आपको मैंने लास्ट वाले डायग्राम में भी शो किया था इस तरह से इस स्ट्रक्चर की सेल होती है, अभी मैं आगे भी शो करूँगी। सो इनके अंदर जो होता है एपिकल ग्रोथ उसी सेल से होती है और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस ओगैमस टाइप का होता है और इनके अंदर जो सिस्टोकार्प होता है वो वेल डेवलप होता है। सिस्टोकार्प एक ऐसा इन्वेलप टाइप स्ट्रक्चर आप बोल सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो आउटर स्ट्रक्चर है जो कि जो आपके सार्कोस्पोर्स होते हैं उनको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग का वर्क करती है, उसी लेयर को उसी आउटर थिक लेयर को हम सिस्टोकार्प कहते हैं। सो आई थिंक
आपको समझ में आया? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे इनके अंदर रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन इनके अंदर किस तरह से होता है। सो जो पॉलीसिफोनिया है इनके अंदर असेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं। सो जितने भी आपके एल्गी हैं उनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो मोस्टली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू ही होता है, और जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली मोनोस्पोर, सार्कोस्पोर और टेट्रास्पोर के थ्रू होता है, और जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एडवांस टू गैमेट्स टाइप का होता है, जिनके अंदर थ्री काइंड्स जो होते हैं प्लांट को रिकॉग्नाइज किया गया है। एक तो होता है पहले डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट बनता है, फिर हैप्लॉयड गैमेटोफाइट बनता है, फिर डिप्लॉयड सार्कोस्पोरोफाइट बनता है। सो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये बनते हैं। सो जो डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट है आपका, ये डेवलप होता है डायरेक्ट जर्मिनेशन के बाद, जो सार्कोस्पोर है उसके जर्मिनेशन के बाद डेवलप होता है। सो जो प्लांट है, जो सेक्स डेवलपिंग ऑर्गन्स हैं वो डेवलप करता है टेट्रास्पोरेंजिया को, जो कि मियोसिस प्रोसेस करेंगे और डेवलप करेंगे फोर हैप्लॉइड सेल्स का, जिन्हें हमने नाम दिया टेट्रास्पोर्स। सो आगे देखते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। सो जो हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स है ये डायरेक्ट जर्मिनेट होगा आपका टेट्रास्पोर से, जो टेट्रास्पोर बने थे उनसे जर्मिनेट होगा। सो ये इंडिपेंडेंट होगा प्लांट बॉडी पे, मतलब जो ये प्लांट है वो इंडिपेंडेंट होगा और हैप्लॉइड सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और कुछ स्पीसीज होती हैं जो कि हेट्रोथैलिक होती हैं। हेट्रोथैलिक का मतलब उनमें मेल और फीमेल दोनों तरह के ऑर्गन्स पाए जाते हैं एक ही प्लांट पर। सो जो स्पर्मेटेंजिया है यानी मेल सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप करेगा अलग अलग तरह के प्लांट्स पर, और जो हेट्रोथैलिक होंगे वो अलग अलग तरह के प्लांट पे डेवलप करेंगे, और जो होमोथैलिक होंगे वो एक ही तरह के प्लांट पे डेवलप कर लेते हैं। फिर होता है इनका डिप्लॉयड सार्कोस्पोरोफाइट, ये स्टेज आती है। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो आपके डिप्लॉयड और डिपेंडेंट जो हैप्लॉयड गैमेटोफाइट प्लांट पे बने थे आपके जो स्पोर्स टेट्रास्पोर्स, वो क्या करते हैं यूनियन बना लेते हैं हैप्लॉयड स्पर्मेटिन के और इनसाइड कार्पोगोनियम के बीच में यूनियन लाइक स्ट्रक्चर, मतलब यूनियन बना लेते हैं और फॉर्म करते हैं डिप्लॉयड यानी 2n न्यूक्लियस का कार्पोगोनियम के अंदर। सो जो डेवलपमेंट है वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस फॉर्म करता है सार्कोस्पोरोफाइट, और सार्कोस्पोर जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं माइटोटिक डिवीजन के बाद, जो आपका सार्कोस्पोरेंजिया है उसके माइटोटिक डिवीजन के बाद। सो जो सार्कोस्पोर हैं आपके वो डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं और फॉर्म करते हैं टेट्रास्पोरोफाइट। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ये देखिए, ये आपके टेट्रास्पोर्स हैं और ये आपके टेट्रा स्पोरेंजियम है, ये जो पूरी कवरिंग है, एक्सियल फिलामेंट्स हैं ये, इन्हें सेंट्रल सेल्स भी कहते हैं, और ये टेट्रा स्पोरेंजियम है और ये पेरिक्लिनल सेल्स हैं ये वाली जो हैं आपको। सो आई थिंक दिख रहा होगा आपको, शो हो रहा होगा। अच्छा, इसीलिए इनकी जो लाइफ है या लाइफ साइकिल है उसको डिप्लो हैप्लो डिप्लो बायोटिक टाइप कहते हैं, डिप्लो हैप्लो डिप्लो बायोटिक टाइप। देखिए ये वाला 2n और ये n और ये n, सो इसीलिए हमने इसे नाम दिया डिप्लो हैप्लो डिप्लो बायोटिक टाइप लाइफ साइकिल। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया, चलिए आगे बढ़े। सो अब हम डिस्कस करेंगे इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, उसके बाद हम इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इनके अंदर जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो मेनली हैप्लॉइड नॉन मोटाइल टेट्रास्पोर्स के थ्रू होता है। जो कार्पोस्पोर्स होते हैं यानी 2n सेल्स होते हैं वो डायरेक्ट जर्मिनेशन करते हैं और डेवलप करते हैं डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट्स का, जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं और पॉलीसिफोनस होते हैं। कुछ पेरिसेंट्रल जो थैलस होते हैं उनके जो एपिकल रीजन है उसके पास वो डेवलप करते हैं एक सैक लाइक टेट्रास्पोरेंजिया, यानी सैक लाइक टेट्रास्पोरेंजिया को डेवलप करते हैं। इधर ये देखिए खाली होगी वो, फिर उसके अंदर जो टेट्रास्पोर्स होंगे वो डेवलप करेंगे। सो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है आपका टेट्रास्पोरेंजियम का, वो मियोसिस डिवीजन करेगा और फॉर्म करेगा आपके चार टेट्रास्पोर्स को, 2n होंगे जो कि, और जो स्पोर्स होंगे वो अरेंज्ड होंगे टेट्राहेड्रली। अब हम देख लेते हैं कि जो डेवलपमेंट ऑफ टेट्रास्पोर्स है वो किस तरह से होता है। सो जो टेट्रास्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं मेनली
टेट्रास्पोरेंजिया से, बाहर की कवरिंग को हम टेट्रास्पोरेंजिया कहते हैं। अब जो ये सिंगल पेरिसेंट्रल सेल होते हैं, मैंने अभी आपको शो किया था, जो पेरिसेंट्रल सेल होते हैं वो हर टायर पे मतलब हर किनारे पे प्रेजेंट होते हैं और एपिकल रीजन की तरफ फंक्शन करते हैं, जिसे हम नेम देते हैं टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल, यानी जो वो पहली सेल होगी जो ग्रोथ करेगी उसे हम कहेंगे टेट्रास्पोरेंजियल इनिशियल। सो जो इनिशियल सेल है वो स्मॉलर होती है आउटर पेरिसेंट्रल सेल से, और पार्टिकुलर टायर एक तरह के रो में वो लगे हुए होते हैं सभी के सभी। सो जो इनिशियल सेल होते हैं वो डिवाइड्स होते हैं वर्टिकली इनर और आउटर दोनों तरह के स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ऐसे मान लीजिए सर्कुलर वे में, और ये इनर और आउटर दोनों तरह से डिवाइड होंगे। जो इनर सेल हैं वो फंक्शन कर लेंगे डायरेक्ट स्पोरेंजियल मदर सेल का, यानी मदर सेल बना लेंगे, और जो आउटर सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और फॉर्म करेंगे दो या दो से ज़्यादा कवर सेल्स का। सो जो स्पोरेंजियल मदर सेल है वो डिवाइड होंगे ट्रांसवर्सली लोअर स्टाक में, जो उनकी लोअर स्टाक सेल है उनमें, और अपर वाली जो होंगे वो टेट्रास्पोरेंजियल सेल में। सो आगे देखें, अब इसके बाद क्या होगा कि ये इनलार्जमेंट करेंगे और डेवलप करेंगे एक टेट्रास्पोरेंजियम का। सो जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है आपका वो टेट्रास्पोरेंजियम से जो प्रोसेस है म्यूसिस, उस प्रोसेस को फॉर्म करता है, मतलब म्यूसिस करता है और चार टेट्रास्पोर्स बनाता है, जिसे हम नेम म्यूस्पोर्स भी दे सकते हैं, मतलब उससे म्यूस्पोर भी कहते हैं। सो जो टेट्रास्पोर्स हैं आपके वो अरेंज होते हैं टेट्राहेड्रली और जो आपका टेट्रास्पोरेंजियम है उसके अंदर। ये जो ये देखिए आपकी ये जो बाहर, ये बाहर की ये जो आउटर कवरिंग है इसे हमने टेट्रास्पोरेंजियम कहा है। सो यहाँ पे ये टेट्राहेड्रली इसके अंदर अरेंज्ड होते हैं। सो जो मैच्योर टेट्रास्पोर्स हैं आपके वो लिब्रेटेड यानी बाहर आएंगे, जो इसकी वॉल होगी ये आउटर वॉल होगी वो रप्चर हो जाएगी और बहुत सारे इससे स्पोरेंजियम निकलेंगे, और जब जर्मिनेशन होगा तब डेवलप करेंगे गैमेटोफाइटिक पॉलीसिफोनस प्लांट का, जो कि हाइड्रोथैलिक होगा, यानी जो उसकी स्पर्मेटेंजिया और जो ओगोनियम है, मतलब जो आपका ओवम है, वो एक ही प्लांट पे नहीं होंगे, वो अलग अलग प्लांट पे होंगे, तो इसे ही हम हाइड्रोथैलिक कहते हैं। और फॉर्म करेंगे एक पॉलीसिफोनस प्लांट का, जो कि और दो जो इनके अंदर फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करेंगे, कैसे, बीइंग हेट्रोथैलिक आउट ऑफ फोर टेट्रास्पोर्स के थ्रू। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, चलिए हम आगे बढ़े। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ओगैमस टाइप का होता है, और जो प्लांट होते हैं वो कॉमनली डायोसियस होते हैं, यानी उनके अंदर मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये देखिए यहाँ पर भी लिखा होता है, मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो स्पर्मेटोगोनिया उसे कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम कार्पोगोनिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पोगोनिया, जो कि डेवलप होते हैं मेल और फीमेल प्लांट पे अलग अलग। सो जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे हम स्पर्मेटेंजियम कहते हैं या एंथ्रीडियम भी बोलते हैं। सो जो इनिशियली मेल ट्रैकोब्लास्ट होते हैं वो डेवलप होते हैं जो प्लांट की साइड ब्रांच होते हैं वहाँ पर, और बिकम यानी बन जाते हैं ब्रांच्ड, और कुछ स्पीसीज में क्या होता है कि ये जो ब्रांचेस होती हैं फर्टाइल होती हैं, मतलब सभी के ये जो दोनों ब्रांचेस हैं आपके ये फर्टाइल होते हैं, यानी ये देखिए इस तरह के ये मेल ट्राइकोब्लास्ट डेवलप हो रहा है आपका, और ये इधर एंथ्रीडियल फर्टाइल ब्रांच है। सो ये फर्टाइल होती है। सो इनके अंदर जो मोनोसाइफोनस फर्टाइल ब्रांचेस ऑफ मेल ट्राइकोम बियर्स मैनी यूनिसेल, जो इनके अंदर मोनोसाइफोनस फर्टाइल ब्रांचेस होती हैं मेल ट्राइकोम की, वो बियर करती हैं यूनिसेलुलर और स्फेरिकल स्पर्मेटोगोनिया। ये देखिए यूनिसेलुलर होगा और आपका कैसा होगा, स्फेरिकल, स्फेरिकल तो शो कर ही रहा है, तो इस तरह के स्पर्मेटोगोनिया को डेवलप करती हैं। सो जो सभी स्पर्मेटोगोनिया होते हैं वो यूनिन्यूक्लियेट यानी एन उनमें न्यूक्लियस होता है, क्रोमोसोम एन होते हैं, और स्ट्रक्चर जो कि होती है प्रोड्यूस करती है स्पर्मेटियम उसे हम कहते हैं मेल गैमेट। सो चलिए आगे बढ़ें।
अब क्या होता है कि जब स्पर्मेटेंजियम का डेवलपमेंट हो रहा है तो सभी के सभी जो बेसल यानी जो नीचे के सेल्स होते हैं, इस तरह ऊपर वाले सेल्स एपिकल सेल्स और नीचे वाले सेल बेसल सेल्स होते हैं। सो जो ये होते हैं बेसल सेल्स वो पेरिक्लिनली डिवाइड होते हैं और फॉर्म करते हैं पेरिसेंट्रल सेल्स को, जो कि बहुत तरह के डिवीजन को फॉर्म करते हैं और स्पर्मेटेंजियल मदर सेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिनमें से जो दो या चार जो होते हैं वो यूनिसेलुलर बॉडीज होती हैं और जिसे हम स्पर्मेटेंजिया कहते हैं। और हर स्पर्मेटेंजियम जो होता है वो डेवलप करता है एक सिंगल नॉन मोटाइल मेल गैमेट की तरह, जिसे हम स्पर्मेटियम का नाम देते हैं। सो जो स्पर्मेटियम है वो क्या होता है, जब इनकी आउटर वॉल ये जो है ये बॉल रप्चर होगी तब इस बॉल से ये बाहर जाएंगे, लिबरेटेड होंगे और जो नैरो एपिकल स्लिट होती है वॉल पे, इन पे एक संकरी सी मान लीजिए पोर टाइप की स्ट्रक्चर पाई जाएगी, उससे बाहर आएंगे और डिस्पर्स्ड होंगे वाटर के थ्रू, क्योंकि ये मैराइन वाटर में प्लांट्स पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं मेनली। सो ये कैसे लिबरेटेड होंगे, कैसे डिस्पर्स्ड होंगे, वाटर के थ्रू। सो चलिए आगे बढ़े। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं इनके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट है वो किस तरह से होता है। सो चलिए स्टार्ट करें। सो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो उसे हम कहते हैं कार्पोगोनियम, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड एज कार्पोगोनियम। सो जो कार्पोगोनियम है वो डेवलप होता है जो टॉप सेल यानी ऊपर की सेल्स होते हैं कार्पोगोनियल फिलामेंट के, उनसे। सो जो कार्पोगोनियल जो कार्पोगोनियम होते हैं वो फ्लास्क इस तरह के शेप्ड के होते हैं, फ्लास्क शेप्ड के। सो क्या होता है फिर, इनकी जो बॉडी होती है वो सोलेन रीजन जो होता है वहाँ पे कंटेन करती है एक एग को, और जो अपर इलोंगेटेड नेक रीजन है ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ट्राइकोई ही प्रेजेंट होता है, जिसे हम जो ये नेक रीजन है इसे हम ट्राइकोई कहते हैं। सो जब डेवलपमेंट होता है कार्पोगोनियम का, यहाँ पे कार्पोगोनियम होगा, सो जो इनिशियली जो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है वो डेवलप करेगा सेंट्रल साइफन से, और कुछ सेल्स होंगे जैसे 3 से 4 सेल्स वो जो एपिकल रीजन है उसके नीचे से ग्रो करेंगे, और जो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है उसे जो ये आपका एपिकल रीजन है मान लीजिए, ये देखिए ये फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है इधर से और ऊपर की ये, इससे कहेंगे पेरिकार्प इनिशियल, प्रोकार्प इनिशियल, या और जो जिससे ही डेवलप होते हैं फीमेल ट्राइकोब्लास्ट उससे हम कहते हैं प्रोकार्प इनिशियल या इनिशियल सेल्स या ट्राइकोब्लास्ट इनिशियल, जो कि क्या होगा वो रिपीटेड होंगे, डिवीजन करेंगे और फीमेल ट्राइकोब्लास्ट में 5 से 7 सेल्स तक बना लेंगे, इधर देखिए। और फिर क्या होगा कि जो लोअर मोस्ट के 3 सेल्स थे, नीचे के 3 सेल्स थे इधर, वो क्या करेंगे, वो फीमेल ट्राइकोब्लास्ट है उसको डिवाइड करेंगे वर्टिकली और 3 टायर्स ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर की तरह टायर एक रो में लगाएंगे, जिसे हम पेरिसेंट्रल सेल्स कहेंगे, जिनमें से एक क्या करेगा वो पेरिसेंट्रल सेल्स को जो मिडल टायर है उसकी तरफ यानी जो मदर एक्सिस है उसकी तरफ सपोर्ट करेगा जाने के लिए, बढ़ाने के लिए, और जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो कट्स ऑफ यानी गिर जाएंगी और एक स्मॉल इनिशियल का फॉर्मेशन कर लेंगी आउटसाइड की तरफ, जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं ये स्मॉल, यहाँ देखिए ये सपोर्टिंग सेल्स थे, इधर ये एनवलपिंग थ्रेड बन गया, इधर ये कार्पोगोनियम और ये ट्राइकोगाइन बन गया, और ये देखिए इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स बनने लगे, ठीक है, ये जो ऊपर के स्ट्रक्चर ये ट्राइकोगाइन बनी। फिर क्या होगा, जो सपोर्टिंग सेल्स हैं वो कट्स ऑफ हो गए और इनिशियल आउटसाइड की तरफ ग्रो करने लगे, उन्हें हमने प्रोकार्प इनिशियल कहा। सो जो प्रोकार्प इनिशियल हैं वो रिपीटेड डिवीजन करेंगे और फॉर्म करेंगे 4 सेल ब्रांच का, जो प्रोकार्प होगा या कार्पोगोनियल फिलामेंट ब्रांच हम उसे कहते हैं। सो ये देखिए कार्पोगोनियल फिलामेंट ब्रांच, ये देखिए ये बेसल स्टेराइल फिलामेंट थे, ये इधर एनवेलपिंग थ्रेड था, सपोर्टिंग सेल्स थे, ये कार्पोगोनियल ब्रांच थे और ये आपका कार्पोगोनियम पूरी स्ट्रक्चर है। ये देखिए जब स्पर्मेशिया आएंगे और इसको फर्टाइल करेंगे। सो चलिए हम आगे कुछ और चीज़ें उन्हें भी डिस्कस कर लें। सो जो एपिकल सेल है कार्पोगोनियल फिलामेंट के वो फंक्शन करने लगते हैं कार्पोगोनियम मदर सेल की तरह। सो जो ये सेल होते हैं ये डिवाइड्स होते हैं और डेवलप करते हैं कार्पोगोनियम का। सो जो कार्पोगोनियम है वो एक सोलेन बेसल रीजन से यानी ट्राइकोगाइन से अटैच होता है, मैंने अभी आपको ये देखिए ये ट्राइकोगाइन से अटैच होता है ये बेसल वाला रीजन,
ठीक है, ये इधर सपोर्टिंग सेल है। फिर क्या होता है कि कुछ स्टेजेस के बाद जो कार्पोगोनियम है वो डेवलप होता है दो इनिशियल में, यानी जो प्राथमिक सेल्स हैं टू इनिशियल सेल्स में डिवाइड होता है और फॉर्म करता है सपोर्टिंग सेल्स का। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे सपोर्टिंग सेल्स। और जब सपोर्टिंग सेल्स बन जाते हैं तो उनमें से जो बेसल स्टेराइल फिलामेंट इनिशियल है और जो दूसरा लेटरल साइड है वो क्या करते हैं कि स्टेराइल फिलामेंट का या इनिशियल का फॉर्मेशन करते हैं। सो जो बाद ये जो लेटरल स्टेराइल इनिशियल होता है ये डिवाइड करता है ट्रांसवर्सली और फॉर्म करता है कुछ तरह के सेल जिसे हम लेटरल स्टेराइल फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलता है? लेटरल स्टेराइल फिलामेंट। इधर ये देखिए बेसल स्टेराइल फिलामेंट्स हैं इधर, और इधर ये देखिए ट्राइकोगाइन कार्पोगोनियम। अब क्या होता है, जो कार्पोगोनियम होता है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होता है और पेरिसेंट्रल सेल जो होते हैं एडजेसेंट साइड पे या जो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं वो एक तरह की ग्रोइंग स्टार्ट कर देते हैं, इनका एक कवर बनाने लगते हैं आउटर स्ट्रक्चर जिसे हम कार्पोगोनियम कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक सीथ प्रोटेक्टिव कवरिंग लग जाती है जो इनकी फ्रूट बॉडी होगी उसकी तरह, जिसे हम पेरिकार्पी बोल सकते हैं। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडिंग रहा होगा। चलिए आगे बढ़े। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे इनके अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। सो मेनली फर्टिलाइजेशन जो है उनमें जो स्पर्मेटिया होते हैं वो डिस्पर्ड यानी बाहर आते हैं वाटर की हेल्प से, और कुछ जो स्पर्मेशिया होते हैं वो अटैच्ड हो जाते हैं जो रिसेप्टिव ट्राइकोगाइन होता है यानी जो फीमेल ट्राइकोगाइन होता है उससे अटैच हो जाते हैं। और क्या करते हैं, कुछ जो होते हैं वो सक्सेसफुली स्पर्मेटियम और ट्राइकोगाइन जो होता है उनको डिसॉल्व कर लेते हैं कॉन्टैक्ट में आके, और न्यूक्लियस जो होते हैं वो फीमेल न्यूक्लियस में जो इसके बेस पे प्रेजेंट होता है उससे जाके फ्यूज़न कर लेते हैं। सो रिजल्ट में क्या होता है कि जायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। सो इनके अंदर कुछ चेंज होते हैं, एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस उसे हमने नाम दिया। सो वो चेंजेस हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। सो क्या होता है कि जब स्टार्टिंग होती है फेज़ की तो ऑक्सिलरी जो सेल होते हैं वो डेवलप करते हैं एक सपोर्टिंग सिचुएटेड मतलब जो बेसल रीजन है उसके नीचे कार्पोगोनियम है उसके नीचे बेसल रीजन में सपोर्टिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से ग्रो करते हैं। फिर क्या होता है कि जो लेटरल स्टेराइल फिलामेंट है वो इंक्रीज करता है लेंथ में जो कि 4 से लेकर के 10 सेल्स तक बनाता है डिवीज़न, और एलोंगेटेड यानी एलोंगेशन करता है बढ़ता है, और जो बेसल स्टेराइल इनिशियल है वो डेवलप होते हैं 2 सेल्स से मतलब 2 सेल फिलामेंट होता है उनसे डेवलप होते हैं। सो जो ऑक्सिलरी सेल हैं वो सिंगल हैप्लॉइड जो न्यूक्लियस है उसे बियर करती हैं। फिर क्या होता है, एक ट्यूब्यूलर कनेक्शन जो होता है वो डेवलप होता है ऑक्सिलरी सेल और कार्पोगोनियम के बीच में, यानी जो कार्पोगोनियम है आपका और जो ऑक्सिलरी सेल हैं इधर वाली जो सेल है उनके बीच में एक आपका डिवीज़न होता है जो हाँ जहाँ पर क्या होता है कि माइटोटिकली डिवाइड करते हैं जो कि 2 सेल्स बनते हैं जिनमें से एक जो होती है वो ट्रांसपोर्टेड हो जाती है ऑक्सिलरी सेल के थ्रू और जो दूसरी रिमेन बची हुई सेल्स होती है वो कार्पोगोनियम का में ही रह जाती है। सो जो ऑक्सिलरी सेल हैं वो कंटेन करते हैं एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस को यानी एन, और जनरेट करते हैं ग्रेजुअली ट्राइकोगाइन स्राइबेल्स का ट्राइकोगाइन स्राइबेल्स को वो जनरेट करते हैं। कुछ वेजिटेटिव फिलामेंट होते हैं जो डेवलप करते हैं एडजेसेंट साइड से जो कि आपके वेजिटेटिव पेरिसेंट्रल सेल्स हैं उनसे, और जो कि डेवलप करने के बाद टोटल कवरिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस है आपका वो ऑक्सिलरी सेल जो थे वो माइटोटिकली डिवाइड हुए और फॉर्म किया 2 न्यूक्लियाई का जिनमें से एक माइग्रेट हुआ आउटग्रोथ बनाया उसने और डेवलप किया जो ऑक्सिलरी सेल थे उन पर, और जो आउटग्रोथ था वो सेपरेशन के बाद अलग होने के बाद उसमें पार्टीशन हुआ बॉल फॉर्मेशन हुआ और गोनिमोब्लास्ट इनिशियल बनने लगे। फिर क्या होगा, जो ये आपके गोनिमोब्लास्ट हैं ये इनिशियल रिपीटेड करते गए माइटोटिक डिवीज़न करते गए और गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना ली, और जो टर्मिनल सेल थे आपके गोनिमोब्लास्ट के फिलामेंट के वो कार्पोगोनियम में डेवलप करते गए जो कि एक सिंगल डिप्लॉयड कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन करने लगी इनसाइड यानी अंदर की तरफ। अब क्या हुआ कि डेवलपमेंट के बाद जो ऑक्सिलरी सेल थे और सपोर्टिंग सेल थे वो कार्पोगोनियम और कुछ सेल्स में
यानी जो बेसल और स्टेराइल फिलामेंट थे वो आपस में फ्यूज़ हुए और एक इररेगुलर सेल का फॉर्मेशन किया, जो कि हमने जिसे नाम दिया प्लेसेंटल सेल, जो कि जनरेट जनरेट करेगी और सिंपली एक तरह से न्यूट्रिशन न्यूट्रिटिव फंक्शन का वर्क करेगी उसका जो जायगोट बना है उसमें। सो जो प्लेसेंटल सेल है, गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट और कार्पोगोनिया जो हैं वो कवर्ड हो जाते हैं बहुत तरह के वेजिटेटिव फिलामेंट से और फॉर्म करते हैं अर्न शेप्ड, अर्न मतलब गोलाई तरह, इस तरह से इस स्ट्रक्चर की तरह फॉर्म करेंगे, इस तरह से मान लीजिए तो फॉर्मेशन करेंगे इस तरह से। और फिर क्या होगा कि जो सिस्टोकार्प है आपका, जो आउटर कवरिंग है उससे हम पेरिकार्प कहने लगेंगे सिस्टोकार्प को, मतलब जो आउटर कवरिंग है उसकी सिस्टोकार्प की, और जो डिप्लॉयड पार्ट है सिस्टोकार्प का वो रिप्रेजेंट करेगा आपका सार्कोस्पोरोफाइट को। कुछ सेल्स जो होंगे आपके वो कार्पोगोनियल फिलामेंट को डेवलप करेंगे और जनरेट करेंगे एक तरह से, और जो आपका कार्पोस्पोरेंजियम है वो डेवलप करेगा एक सिंगल डिप्लॉयड सार्कोस्पोर को लिब्रेशन के बाद, और जो कार्पोगोनियम है वो ऑस्टियोल होगा सिस्टोकार्प का, यानी जो आउटर कवरिंग होती है ऑस्टियोल, मतलब उसे ही ऑस्टियोल कहते हैं, जो सिस्टोकार्प की एक पोर की तरह, मान लीजिए ये इस तरह से है स्ट्रक्चर, एक पोर की तरह यहाँ पे होगा उसे कहेंगे ऑस्टियोल। सो आई थिंक ये आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे कि इनके अंदर जर्मिनेशन किस तरह से होता है, यानी ये जर्मिनेट किस तरह से करते हैं। सो जर्मिनेशन में मोस्टली क्या होता है कि वो आपका जो बाहर आया था आपका कार्पोस्पेरेंजियम, वो आउटर एक सॉलिड सरफेस से या डिप्लॉयड सार्कोस, उसे हम सार्कोस्पोर्स कहेंगे, वो अटैच हो जाएगा और एक माइटोटिक, मतलब पहला माइटोटिक डिवीजन करने लगेगा और फॉर्म करेगा लार्ज अपर और स्मॉल लोअर सेल्स का, जो कि दोनों सेल्स हैं वो माइटोटिकली डिवीजन करेंगे, ऊपर वाले भी, एपिकल रीजन वाले भी और नीचे वाले भी, वो भी, और इसे हम कहेंगे फोर सेल्ड स्टेज भी कह देते हैं। सो क्या होता है कि जो लोअर मोस्ट सेल हैं वो फॉर्म्स करती हैं राइजॉइड्स का, नीचे वाली जो स्ट्रक्चर होते हैं वो राइजॉइड्स बनाते हैं जिससे ये सबस्टेटम से अटैच रहते हैं, और जो अपर लेयर्स होते हैं वो एपिकल सेल का वर्क करते हैं, और जो बाकी के सेल हैं वो डेवलपमेंट करते हैं और पॉलीसिफोनस बॉडी यानी ट्यूब्यूलर बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये जो प्लांट बॉडी है ये टेट्रास्पोरोफाइटिक होती है, मतलब टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट्स में होती है, जो कि डेवलप करते हैं टेट्रास्पोर्स को और अपनी जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करते हैं, और यही प्रोसेस, यही साइकिल बार बार चलती रहती है। ये देखिए इधर ये टेट्रास्पोर था आपका एंड मेल गैमेटोफाइट बना इधर से, और इधर से आपका फीमेल गैमेटोफाइट बना, और ये प्लांट्स थी उसमें कार्पोगोनियम था, इनमें स्पर्मेट जो आपके स्पर्मेटेंशियल क्लस्टर्स थे, अब क्या हुआ इन्होंने आपस में सेक्सुअल यूनियन बनाया, रिप्रोड्यूस किया, एक दूसरे के न्यूक्लियस को फ्यूज़ किया, फिर उसके बाद जायगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर जायगोट फॉर्मेशन के बाद इनके अंदर ऑक्सिलरी डेवलपमेंट हुआ, फिर ऑक्सिलरी डेवलपमेंट होने के बाद इनके अंदर कार्पोस्पोरेंजियल या कार्पोस्पोर डेवलपमेंट हुए बने, फिर आपके कार्पोस्पोर थे वो आपके बाहर आए, बाहर की तरफ आकर के उन्होंने अपना सबस्टेटम से अटैच हुए और एक न्यू पॉलीसिफोनस बॉडी या न्यू प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन कर लिया। सो चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। सो अब हम इनका एक ब्रीफ लाइफ साइकिल का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, कि एक तरह से ब्रीफली देख लेते हैं किस तरह से होता है। सो जो लाइफ साइकिल है पॉलीसिफोनिया की, ये तीन डिस्टिंक्ट फेजेस में, जिनमें डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइट, हैप्लॉयड गैमेटोफाइट और डिप्लॉयड सार्कोस्पोरोफाइट में ये बटी हुई होती है। सो क्या होता है फिर, जिनमें से चार जो टेट्रास्पोर्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं टेट्रास्पोरेंजिया को डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट पर, और जो दो टेट्रास्पोर्स हैं वो डेवलप करते हैं हैप्लॉयड गैमेटोफाइट फीमेल प्लांट्स पर। सो जो मेल गैमेटोफाइट है प्लांट पर जो डेवलप करते हैं और जो फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट पर डेवलप करते हैं वो गैमेट्स बनाते हैं कार्पोगोनिया के अंदर। सो जो जायगोट है वो डेवलप करता है कार्पोगोनियम के अंदर आफ्टर गैमेटिक फ्यूजन, जो गैमेटिक फ्यूजन है स्पर्मेटेंजियम और कार्पोगो जो आपके ये सेल्स होते हैं उनका कार्पोगोनियम का, फिर उसके बाद फ्यूजन के बाद डेवलपमेंट होता है। अब डेवलपमेंट होने के बाद आपका गोनिमोब्लास्ट फिलामेंट बनता है और जो सार्कोस्पोरेंजिया है वो सार्कोस्पोरोफाइट स्टेज आती है उसमें, जिसमें क्या होता है कि डिप्लॉयड
सार्कोस्पोर जो होते हैं वो जर्मिनेशन से प्रोड्यूस करते हैं डिप्लॉयड टेट्रास्पोरोफाइटिक प्लांट पर फिर से, और लाइफ साइकिल जो होती है इनकी ट्राईफेसिक होती है जिसे हम हैप्लो डिप्लो बायोटिक या डिप्लो हैप्लो डिप्लो बायोटिक भी कहते हैं। सो आई थिंक ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग रहे होंगे, आपको सही से समझ में आए होंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा पढ़ाने का स्किल अच्छा लगा हो, मेरा कंटेंट सही से समझ में आया हो, तो अपने सिलेबस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर डियर फ्रेंड्स।